हेलो फ्रेंड्स, फ्रीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। मैं श्रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं 65 करोड़ रुपए की खर्च से पूरे ठाणे शहर में जो है सीसीटीवी कैमरे रोड पर लगवाए गए थे ताकि अपराध कम किया जा सके। करीब 2 से 2.5 साल पहले जो है ये कैमरे लगवाए गए थे, लेकिन आपको दिखा दें कि इन कैमरों की हालत क्या है। ये कैमरे जब से लगे हैं तब से लगभग बंद ही पड़े हुए हैं। और आज जो है मुंब्रा शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक युवक कांग्रेस के जो है शानू पठान, वो जो है यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं कि आखिर कैमरे बंद क्यों है। सीढ़ी लगाकर जो है कैमरे तक चढ़कर वहाँ पर बोर्ड लटकाया गया है कि जो है ठाणे मनपा बस कॉन्ट्रेक्टर मत, इस तरह के जो है बोर्ड लगाए गए हैं। और कोई भी किसी भी तरह का भय जो है ना रखे, सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर बंद है, ऐसे तमाम जो है यहाँ पर बोर्ड लगाए गए हैं। और जो आंदोलन कर रहे थे शानू पठान वो यहाँ पर मौजूद है। किस तरह का ये आंदोलन था आपका सीसीटीवी कैमरे को लेकर? देखिए, महासभा के अंदर करोड़ रुपए का बजट थाने महानगर पालिका के क्षेत्र में कैमरे लगाने के लिए नगर सेवक के भी 5-5 लाख रुपए लिए। आज 1 से 2 साल के अंदर ये कैमरों की क्या व्यवस्था है इसको उजागर करने के लिए राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने माननीय जीतन दरबार के मार्गदर्शन में आंदोलन किया। प्रश्न कई उपस्थित होते। प्रश्न नंबर 1, करोड़ों रुपए का कैमरे लगा के जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया उसको इनके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी टेंडर के अंडर में रहती। आज ये हाल है। थाने करके करोड़ों रुपए कैसे वेस्ट किया जा रहा है इसको उजागर करने के लिए ये बोर्ड लगाए। और खास तौर से मुमरा कौसा के प्रभाग समिति में और थाना के 50% कैमरे बने, मुमरा प्रभाग समिति के पूरे कैमरे बने। मुमरा कौसा की आवाम बेफिक्र ना घूमे क्या हम सीसीटीवी कैमरे के रेंज में, ऐसा करके बेफिक्र ना घूमे कैमरे को देख के, इसीलिए नहीं है ये उजागर करने के लिए बोर्ड लगा। क्या आप अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी आपको खुद रखना पड़ेगी, आपके पैसे की, आपकी जान की, आपकी माल की हिफाजत की जिम्मेदारी आप खुद रखिए, कैमरे बंद है ये उजागर करने के लिए राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने आंदोलन किया। और थाने करके करोड़ रुपए किस तरीके से जाया होते हैं ये आज देख लीजिए। पूरे मुमरा कौसा के सभी जगहों पे लगाए हुए मुख्य रोड के कैमरे, अंदर लगाए गए कैमरे, थाना के, कलवा के 50% कैमरे बंद, मुमरा प्रभाग समिति के 100% कैमरे बंद। नगर सेवक कई लोगों ने शिकायत भी, थाने महानगर पालिका फर्स्ट और अधिकार कॉन्ट्रेक्टर मस्ट, मैं माध्यम के माध्यम से थाने महानगर पालिका से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ और ये आग्रह भी कर रहा हूँ, अगर 8 दिनों के अंदर मुमरा प्रभाग समिति के और थाना के जो बचे कैमरे और उनको सर्वे करके जो कैमरे बने उन्हें नहीं शुरू कराया गया तो ये सारे कैमरे लेके विद्युत विभाग हेड ऑफिस में जाके डाल के आऊंगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो शानू पठान है युद्ध राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, उनका कहना है कि आप इसके अंदर ये सारे के सारे सीसी कैमरे जो मुंब्रा शहर में बंद पड़े हैं, इन्हें अगर दुरुस्त नहीं किया गया, इन्हें चालू नहीं किया गया, तो जो विद्युत कार्यालय में ये सभी कैमरे निकाल कर ले जाकर वहाँ रखकर और दोबारा जो है ये वहाँ विरोध करेंगे। कैमरा मैन जफर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।